वीडियो काफी वायरल हुई थी, तो मैंने सोचा मैं भी इसको मंगाती हूँ। मैंने भी इसको अमेजोन से मंगाया और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो ग्रीन मास्क है वाकई में वर्क करता है कि नहीं। एक ऑनेस्ट रिव्यू के साथ जानेंगे इसके बारे में कि ये जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है वैसा वर्क करता है कि नहीं। तो चलिए फिर जानते हैं। यार ये चाइनीज लोग ना जो ना करवाते हैं वो कम। तो ये बेसिकली मैंने अमेजोन से मंगाया है ग्रीन मास्क स्टिक। और पहले छोटे से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या है और कैसा है, दिखता है क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें। देखिए ऐसा बॉक्स आता है रैपर के साथ, उसको निकालना होता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैसे अप्लाई करना है, कितनी देर अप्लाई करना है फेस के ऊपर, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आप पढ़ सकते हैं इंग्रीडियंट्स में से मेंशन है ग्रीन टीका बनाया गया है बेसिकली, इसलिए ग्रीन ग्रीन है। प्राइस ये 450 रुपीज का आता है और सारी चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी हैं, ठीक है। अब इसको बॉक्स को ओपन करते हैं। इस बॉक्स के अंदर ये स्टिक आता है तो इसलिए इसका नाम है ग्रीन स्टिक मास्क, क्योंकि ग्रीन कलर का मास्क है जो कि ग्रीन टी से बनाया गया है और साथ ही साथ इसके स्टिक के साथ आता है तो इसलिए इसको स्टिक ग्रीन स्टिक मास्क बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे हम लगाने के लिए, ऐसे ओपन करना पड़ता है साइड से, तो ये अपना आपके चेहरे पर इस तरीके से लगता है ओपन होकर के, ठीक। उसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से कवर करने के लिए कैप दिया है ताकि ये बाहर ना निकले मास्क और बहे भी ना, गिरे भी ना, इधर उधर ना हो, इसीलिए कैप दिया ताकि अगर बच भी जाए लगाने के बाद तभी आप इसको इस तरीके से कवर कर दें। लेकिन ओपन करते हुए थोड़ा बहुत इसमें लग जाता है मास्क इसके जो कैप के अंदर है, तो उसको हाथ निकाल के अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसको ओपन करना है और इसी तरीके से यूज़ करने के बाद इसको ढक देना है, तो ये ठीक ठाक है, देखने में सही है। पर अब चलते इसको अप्लाई करते हैं और जानते हैं कि जो वीडियो में दिखाया गया था कि आपके इसको लगाने के बाद जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं वो निकलते हैं ऊपर की तरह, उभर के आ जाते हैं, वैसा उभर के आता है कि नहीं, निकलता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें अभी हम जानेंगे। पहले इसको कर लेते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के लिए बताई दिया ओपन करिए उस तरीके से और उसके बाद पूरे चेहरे पे इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है और ड्राई होने तक अपने चेहरे पे इसको रहने देना है। और लगाने के बाद हम जानेंगे इस ग्रीन मास्क स्टिक की सच्चाई की, वाकई में वैसा वर्क करता है जैसे वीडियो में दिखाया गया है कि नहीं, ऐवें ही कुछ भी जैसे चाइनीज लोग का हमेशा से रहता है, कुछ ना कुछ बवाल करते ही रहते हैं। फिलहाल इसको देखिए हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, तो अब हम इसको थोड़ी देर वेट करेंगे, छोड़ देंगे अपने चेहरे पे और जानेंगे उसके बाद इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ अमेजिंग सा। मेरे पास यहाँ पे जूक का बैग है जो मुझे बहुत प्रिटी लगा लुक वाइज। आप इसको नॉर्मल किसी भी क्लोथिंग के अपने ड्रेस के साथ मैच करा सकते हैं, प्रिटी सा लुक देता है, कूल सा लुक देता है गाइज। एंड साथ ही साथ एक इसके अंदर स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा है, जो रेगुलर आपके रूटीन में जो आप मेकअप किट वगैरह या फिर जो भी आप कैरी करते हैं मोबाइल फ़ोन, आपके एसेसरीज जो कि आप बेसिक डेली आपकी नीड्स होती है उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें में आ जाती है। और देखने में बेशक ये बहुत छोटा सा बैग है बट स्टोरेज के मामले में ना बहुत अच्छा टक्कर देता है। और ये कितनी सारी चीज़ें मैंने इस पर डाल दी, सारी चीज़ें बेसिकली मेरी आ गई हैं। एंड साथ ही साथ जो इसका डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है ना वो काफ़ी कमाल का लगता है, और उसका क्लोथिंग भी काफ़ी मटेरियल काफ़ी अच्छा मुझे लगा, बहुत पसंद आया। और बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। एंड लुक तो देखिए कितना कमाल का लुक आता है, इसको कैरी करने भी काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ कि आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एंड देखिए कमाल का कूल सा लुक आता है, सारे ड्रेसेस पे बेसिकली आके मैच करेगा। एंड इसके बहुत सारे फ्लोरा प्रिंट के बैग्स भी आते हैं जो कि अमेजोन पे आपको ईजिली मिल जाएंगे, वो आप मार्केटिंग के लिए अपने मॉम के लिए भी ले सकते हैं। और ये वाला शिंग बैग तो मुझे बहुत पसंद आया, आपको कैसे लगा कमेंट के बताइएगा ज़रूर। ओके तो अब चलते हैं अपने वीडियो के रिव्यू की तरफ। तो मैंने इस मास्क को जब तक ये ड्राई नहीं हुआ मैंने अपने चेहरे पर रखा है, ड्राई होने में इससे कम से कम 10 से 15 मिनट ले लिया। पर यहाँ पे गाइज आप रिजल्ट देख सकते हैं, मेरे चेहरे पे ऐसा नहीं कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन देखिए यहाँ पे चेहरे पे ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और 15 से 20 मिनट हो चुका है। कुछ भी ऐसा नहीं, वैसे वीडियो में दिखाया गया था कि वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स उभर के आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, आपको दिख रहा होगा मैंने वॉश भी किया ना उसके बाद भी, देखिए चेहरा वैसे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब जैसे मास्क लगाने के बाद चेहरे तो रगलो आता है वैसा भी कुछ नहीं हुआ, मतलब टोटली यूजलेस। पर मेरे पास एक दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं इसको किसी और पर ट्राई करूँ, हो सकता है मेरा चेहरे खराब हो, किसी का चेहरे पे शायद ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट आए। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स वाला चेहरा लिया और उसके ऊपर मैंने इस मास्क को ग्रीन जो स्टिक मास्क है उसको अप्लाई किया पूरा, और रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी क्या रिजल्ट आता है किसी मेंस के ऊपर अगर हम उसके ऊपर लगाएं तो जो वाइट हेड ब्लैक हेड्स निकल के आते हैं चेहरे पे, ग्लो आता है, चमक आता है कि नहीं आता। यहाँ पे मैंने पूरी तरह के चेहरे पे अप्लाई कर लिया और थोड़ी देर बाद
यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे लगाया था वैसे ही ये ड्राई हुआ है बस। और इवन सूखने के बाद भी इसका चेहरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे दे रही हूँ एक डिसलाइक। और सही में गाइस, मेरे 450 रुपए गए पानी में और साथ ही साथ टाइम पैसा सब बर्बाद था, यूजलेस। होप गाइस आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सभी लोग के साथ। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, तकली बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, ऐसे कोई और रिव्यू चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तकली बाय बाय।